नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के बारे में, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही महागठबंधन का कितना नुकसान किया है। चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोजपा ने एनडीए के साथ ही महागठबंधन का भी काफी नुकसान पहुँचाया है। उन 54 सीटों पर जहां लोजपा ने खेल खराब किया, उसमें 25 सीट जदयू की थी। इन सीटों पर लोजपा को जितने वोट मिले, वे जदयू के हार के अंतर से कहीं ज्यादा थे। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि लोजपा ने सिर्फ जदयू ही नहीं, एनडीए के मुकेश सहनी की सीट पर भी काफी नुकसान पहुंचाया है। लोजपा के वोट के चलते ही मुकेश सहनी खुद हार गए। आपको बता दें कि चिराग का शुरू से ही यह स्टैंड रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ज्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी ने बीजेपी की सिर्फ एक सीट पर ही नुकसान किया। लेकिन इन आंकड़ों से यह तय हो गया कि लोजपा ने जदयू और महागठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चुनावी आंकड़ों को देखें तो चिराग पासवान की लोजपा ने राजद को 12 सीट पर और कांग्रेस की 10 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, उसके बाद माले की 2 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से चिराग पासवान की पार्टी ने 24 सीटों पर महागठबंधन का खेल खराब किया। लेकिन चिराग के कारण सबसे ज्यादा फायदा महागठबंधन को ही मिला, उनके ही उम्मीदवारों की जीत भी मिली। लोजपा के वोट काटने से राजद को 24 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। इधर लोजपा की वजह से सीएम नीतीश कुमार को 20 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं मांझी की पार्टी को 2 सीटों का फायदा हुआ और बीजेपी और वीआईपी को एक एक सीटों पर जीत मिली। अगर आंकड़ों को देखें तो लोजपा ने एनडीए को 6 सीटों पर नुकसान कर दिया। लोजपा के चलते एनडीए के 24 उम्मीदवार जीत तो गए, वहीं 30 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं महागठबंधन की 6 सीटों का सीधा लाभ मिला। आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि विधानसभा चुनाव 2020 में 54 ऐसी सीटें थीं जहां चिराग पासवान की लोजपा तीसरे स्थान पर थी, लेकिन इसको मिले वोट जीत के मार्जिन से कहीं ज्यादा थे। तो यदि लोजपा के सारे वोट दूसरे स्थान वाली पार्टी के खाते में जाती तो जरूर पासा पलटता और परिणाम आज कुछ अलग ही होते। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद चिराग पासवान को वोट कटवा कहा जा रहा है, लेकिन चिराग अकेले नहीं है जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों का खेल खराब किया। इस चुनाव में 120 ऐसी सीटें थी जहां वोट काटने का खेल चला। इस सीटों में 54 सीटें अकेले चिराग पासवान की पार्टी के ने खेल खराब किया। वहीं उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और मायावती की पार्टी ने महागठबंधन और एनडीए के 10 सीटों का नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 7 सीटें सीधा बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। रालोसपा ने राजद के 7 सीटों पर फायदा पहुंचाया, कांग्रेस और वीआईपी को एक एक सीटों पर जीत दिलवाई। इसके अलावा ऐसी ही 20 सीटें थीं जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने वोट काटने का काम किया। 20 निर्दलीय उम्मीदवारों ने एनडीए को 15 सीटों पर फायदा पहुंचाया। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि महागठबंधन के बागियों ने एनडीए के बागियों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।